एकसोई कालापुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हरिओम वर्मा ने गुरुवार को कस्बाई इलाकों में रैली निकालकर डोर टू डोर मतदाताओं से जनसंपर्क कर अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील की। कस्बा के गणमान्य लोगों ने अपने अपने आवास और प्रतिष्ठान पर हरिओम वर्मा का फूलमाला पहनाकर फूल और पुष्प वर्षा से स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी हरिओम वर्मा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कस्बा की में रैली निकाली। हरिओम वर्मा ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के प्रति लोगों में उत्साह है, हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। उन्होंने सभी से अपील करते हुए 20 फरवरी को भाजपा के पक्ष में भारी मतदान कर एक बार पुनः भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। रैली का शुभारंभ श्री राम जानकी मंदिर से हुआ, जो बारद्राही गुड़मंडी एटा रोड सहावर रोड ददवारा कॉलेज रोड कासगंज होते हुए प्राचीन शिव मंदिर पर रैली का समापन हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जय श्री राम योगी मोदी का नारा और भारत माता की जय का नारा लगाते नजर आए। रैली में आए सभी लोगों का हरिओम वर्मा ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया। मैं सभी के चरण छूकर शीश झुकाकर नमन करता हूं, वंदन करता हूं और रैली करता हूं। मुझे जिस उम्मीद से आप लोगों को प्यार मिला है, मैं उसे हमेशा बरकरार रखूंगा। मैं आपके सुख दुख में कंधा से कंधा मिलाकर रहूंगा। मैं आपका छोटा भाई बेटा समझता, मुझे प्यार जो मिला है मैं उसका रेडी रहूंगा, मेरा परिवार रेडी रहेगा। मैं पुनः सभी से सिर झुकाकर नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 20 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर मुझे भारतीय भारी